तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये उन लोगों के लिए है जो 5000 के बजट रेंज में फोन ढूंढ रहे हैं, चाहे वो अपने लिए देख रहे हो चाहे वो अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए देख रहे हो। बट एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जैसे जो 10000 की कैटेगरी होती है, 20000 की होती है, 25000 की कैटेगरी होती है, इनमें हमें नए फोन लॉन्च होते हुए दिख जाते हैं। बट ये जो 5000 वाली जो कैटेगरी है ना, इसके अंदर आपको न्यू फोन्स तो नहीं मिलेंगे। क्या हुई? जिन फोन्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ये या तो 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है। एंड सच बताओ तो ये जो 5000 के अंदर जो फोन्स होते हैं, इन फोन से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं कि अगर आपको गेमिंग खेलनी हो, अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, तो वो चीज आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। क्योंकि जैसा प्राइस होता है आपको प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले भी ऐसा ही मिलता है। अगर आप एक 5000 के बजट का फोन ले रहे हैं तो आपको कैमरा, डिस्प्ले एंड प्रोसेसर भी उसी हिसाब से मिलता है। सो आज की इस वीडियो में मैंने 5 से 6 फोन्स की लिस्ट बनाई है जो 5000 की कैटेगरी में बिलोंग करती है। सो वीडियो को डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि अगर वो भी अगर 5000 के बजट रेंज में फोन लेना चाह रहे हैं तो उनको इससे हेल्प मिल जाए। सो जो पहले नंबर पे जो फोन आता है वो है पोको की तरफ से, पोको C50। इसके अंदर आपको 6.52 इंचेस का IPS LCD देखने को मिलेगा, 4000 nits की पिक ब्राइटनेस है। MediaTek की तरफ से Helloi A22 है जो कि वर्क करती है 12nm के चिपसेट पे, Android 12 है इसके अंदर। कैमरे की बात कर लेते हैं, कैमरे में आपको 1 megapixel का वाइड मिल रहा है और जो दूसरा कैमरा है वो AI कैमरा है। इसके अंदर भी आप 1080p की वीडियोस को 30fps से शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आपको 5 megapixel का आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है, जहाँ पे आप 1080p की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5000mAh की बैटरी मिल रही है जो कि सपोर्ट करती है 10W के चार्जर को। इसके अंदर आपको 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस की, तो जो इसका 2GB रैम प्लस 32GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करने वाला है 5857 का। बात करते हैं जो लिस्ट में नंबर 2 पे है वो है Infinix Smart 7 HD फोन। इसके अंदर आपको 6.6 इंचेस का IPS LCD है। इसके अंदर आपको प्रोसेसर में ऑक्टाकोर AI प्रोसेसर मिल जाता है, Android 12 पे ये वर्क करता है। कैमरे की बात करें तो इसका पहला कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और जो दूसरा है वो AI लेंस है। 1080p की वीडियोस को आप 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। 720p की वीडियोस को आप 30fps से शूट कर सकते हैं। 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 10W के चार्जर को। इस फोन के अंदर आपको एक्सटेंड रैम का ऑप्शन मिल जाता है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो जो इनका 2GB रैम प्लस इसका जो 64GB वाला जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको कॉस्ट करने वाला है 5968 का। बात करते हैं जो लिस्ट में नंबर 3 पे है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स N2C। अगर आप 5000 की बजट रेंज में माइक्रोमैक्स का फोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 6.52 इंचेस का IPS LCD मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो यूनिस्को की तरफ से आपको T610 मिल जाता है जो कि वर्क करता है 12nm के चिपसेट पे, Android 12 आपको मिल जाता है इसके अंदर। कैमरे में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड मिलता है और दूसरा कैमरा आपका डेप्थ है। इसमें भी आप 1080p की वीडियोस को 30fps से शूट कर सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात कर लेते हैं तो 5000mAh की बैटरी मिल रही है जो कि सपोर्ट करती है 10W के चार्जर को। बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस की, तो जो इसका 3GB रैम प्लस 32GB वाला जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करने वाला है 5899 का। बात करते हैं उस फोन की जो लिस्ट पे नंबर 4 पे है वो है Xiaomi की तरफ से Redmi 82। अगर आप 5000 के बजट रेंज में एक Redmi वाला फोन देख रहे हैं तो आप A2 को भी कंसीडर कर सकते हैं, इवन आप A1 को भी कंसीडर कर सकते हैं। Redmi A2 की स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 6.52 इंचेस का IPS LCD मिलने वाला है। MediaTek की तरफ से Helloi G36 है जो कि वर्क करती है 12nm के चिपसेट पे, Android 12 आपको मिलने वाला है। 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड मिल रहा है एंड जो उसका दूसरा कैमरा है वो AI है। 1080p की वीडियोस को आप 30fps से शूट कर सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल रहा है। 720p की
वीडियोस को आप 30 FPS से शूट कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो सपोर्ट करती है 10 वॉट के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस की, तो प्राइस में आपको जो इसका 2GB रैम प्लस जो इसका 64GB वाला जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको कॉस्ट कर रहा है 5499 का। अब बात करते हैं उस फोन की जो लिस्ट पे नंबर 5th पे है। अगर आप एक स्पेसिफिक ब्रांड वाला फोन लेना चाहते हैं वो भी सैमसंग का, तो आप डेफिनेटली इस वाले फोन को कंसीडर कर सकते हैं जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M04। इंचेस की PS LCD मिल जाती है। MediaTek की तरफ से आपको HeloEve P35 है जो कि वर्क करती है 12nm के चिपसेट पे। Android 12 है जिसको आप One UI Core 4.1 पे वर्क करता देखोगे। कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का वाइड है, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ मिल जाता है। 1080p की वीडियोस को आप 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है इसके अंदर आपको। 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 15 वॉट के चार्जर को। एंड जो इसका 4GB रैम प्लस जो इसका 64GB वाला जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको कॉस्ट करता है 6799 का। अगर आपका बजट 5 से 6 हजार तक जा रहा है तो आप डेफिनेटली इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो लिस्ट पे नंबर 6 पे है वो है Realme की तरफ से Realme C30। इंचेस की IPS LCD मिलने वाली है। यूनिस्को की तरफ से T612 है जो कि वर्क करता है 12nm के चिपसेट पे। Android 12 आपको मिल रहा है जिसको आप Realme UI पे वर्क करता देखोगे। 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड कैमरा मिल रहा है, फ्रंट कैमरा आपका 5 मेगापिक्सल का वाइड है जिसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज मिल रहा है। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है जो कि सपोर्ट करती है 10 वॉट के चार्जर को। एंड जिसका 3GB रैम प्लस जो 32GB वाला जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको कॉस्ट कर रहा है 6999 का। So, अगर आपका बजट 5 से 6 हजार तक जा रहा है तो आप इन फोन को कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो आप अपने लिए चाहे अपने किसी फैमिली मेंबर्स के लिए लेना चाहते हैं। बट जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इनसे एक अच्छे कैमरे की उम्मीद करते हैं, अच्छे प्रोसेसर की उम्मीद करते हैं, ये चीज आपको इन फोन्स में नहीं मिलेगी। सो ये फोन उन लोगों के लिए है जो डेली लाइफ में नॉर्मली व्हाट्सएप चला लेते हैं या फिर किसी की कॉल उठा ली, दैट्स इट। इसके अलावा आप इन फोन से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। एंड जो सभी फोन्स जो मैंने आपको बताए हैं अगर आप इनको सेल के टाइम पे लेते हो तो आपको और भी कम प्राइस में ये फोन मिल जाते हैं। एंड आपको इन सभी फोन्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।